तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैमरा से जो फोटो है वो मोबाइल में कैसे जाए वायरलेस में। ठीक है, वाईफाई वाला जो सिस्टम है इसका, वाईफाई वाला सिस्टम आप लोगों को इसमें हम सिखाएंगे कि मोबाइल से फोटो कैसे ले कैमरा का। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे कैमरा के सेटिंग में। यहाँ पे जो हॉटस्पॉट दिया हुआ है, अगर दिया नहीं होगा तो यहाँ पे सेटिंग मेनू में जाइए, फिर सबसे पहले शूटिंग सेटिंग रहेगा, फिर प्लेबैक सेटिंग रहेगा, फिर थर्ड वाला सेटिंग आपको थर्ड वाले में आपको आना है। ठीक है, थर्ड वाले में आपको आना है। यहाँ पे देखिएगा कैमरा सेटिंग वायरलेस स्क्रीन ब्राइटनेस कार्ड फॉर्मेट एंड अदर मोर है। ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे फिर सबसे पहले ही मिल जाएगा आपको वायरलेस कनेक्टिंग। ठीक है, वायरलेस कनेक्टिंग है ना, इसमें सेटिंग में जाएंगे, फिर वाईफाई सेटिंग में जाएंगे, फिर यहाँ से आपको तीन नंबर में जाना है। ठीक है, वाईफाई एनेबल करने के बाद, वाईफाई ऑन करने के बाद आपको तीन नंबर सेटिंग में जाना है। यहाँ पे जो पासवर्ड है, पासवर्ड वाले सेक्शन में जाना है, फिर आपको पासवर्ड में आपको नो कर देना है ताकि आपको पासवर्ड लगाना ना पड़े। ठीक है, नो करना पड़े, फिर आपको जाना है वाईफाई फंक्शन में, फिर आपको यहाँ पे कॉन्फर्म सेटिंग है, यहाँ पे जाइए, फिर आपका जो फेयरिंग सिस्टम है वो आ जाएगा। फेयरिंग सिस्टम है उसमें आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे फेयरिंग करने के लिए आप लोग को प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग को सर्च करना है कैमरा कनेक्ट लिखा होगा। कैमरा कनेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है इसको, फिर इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है इसमें क्लिक कर देना। ठीक है, प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपका कैमरा का मॉडल यहाँ पे दिखेगा। कैमरा का मॉडल आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, ऊपर में लिखा हुआ है। मेरा कैनन का 200D है, तो हम 200D सर्च कर लेंगे। ठीक है, वाईफाई सर्च करने के बाद यहाँ पे वाईफाई का सेटिंग, फिर सेटिंग में जाएंगे, वाईफाई का कनेक्शन जो है यहाँ पे शो होगा, फिर वाईफाई में जाना पड़ेगा आपको। मोबाइल के वाईफाई में जाने के बाद आपका जो कैमरा का जो नाम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, रुके दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कैमरा से वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में इसका कनेक्टिंग का व्यू आपको दिख जाएगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया है, फिर यहाँ पे ओके क्लिक करिए, फिर आपका इमेज ऑन कैमरा इसमें क्लिक करिए, फिर आपका फोटोशॉप दिख जाएगा। फोटोशॉप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट वाला जो ऑप्शन है, इंपोर्ट में क्लिक कीजिए, फिर देखिए JPEG फॉर्मेट एंड सेव साइज लिखा है। ठीक है, तो आपको रेडियस में नहीं, आपको ओरिजिनल साइज में क्लिक करना है, फिर ओरिजिनल साइज में क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। फिर ओके में क्लिक करेंगे तो आपका इस टाइप का शो होगा साइड में, फिर आपको क्लिक हो जाएगा, फिर आप इसको गैलरी में देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले।